ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म इसमें आता है कि यील्ड क्राइटेरिया। यील्ड क्राइटेरिया को हमने कैसे डिफाइन किया, तो यील्ड क्राइटेरिया को डिफाइन करने के लिए हमने दो अलग अलग थ्योरीज यूज़ की हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटल और एनालिटिकल अप्रोच से ये दो थ्योरीज बहुत ही कारगर साबित हुई हैं। ठीक है, इसमें क्या है, द फर्स्ट थ्योरी इज ट्रेस्का शियर, ट्रेस्का यील्ड क्राइटेरिया, या फिर इसको हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना कि हम ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जब हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करते हैं और वहाँ पे हम डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल दोनों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास फाइव थ्योरीज ऑफ फेलियर रहती हैं, है ना। यहाँ पे जब हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक जोन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यील्ड क्राइटेरिया के लिए हम दो थ्योरीज डिफाइन करेंगे। वन इज ट्रेस्कास थ्योरी एंड अनदर वन इज वॉन माइसेस थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट स्टेट्स द यील्ड, इट दिस थ्योरी स्टेट्स दैट यील्ड विल टेक प्लेस व्हेन द ग्रेटेस्ट शियर स्ट्रेस इन द वर्क पीस विल रीच द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस दैट इज के। मतलब जब शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा, तब हम उसको मान लेंगे कि वो यील्ड पॉइंट पे पहुंच गया है। इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जब थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ रहे होगे तो उसमें देखा होगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू और सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री बाई टू और सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन बाई टू इज इक्वल्स टू के। और के क्या है हमारा, के है इट इज द यील्ड स्ट्रेस। ओके, तो जब भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो कि बॉडी में इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल शियर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल के बराबर, तो हम उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे कि वहाँ पे यील्डिंग पॉइंट आ गया है। ठीक है, ये सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री क्या है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ये मोर सर्कल जब पढ़ रहे होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, तो उस टाइम वहाँ पे पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जब हम थ्री डायमेंशनल की बात करेंगे, थ्री डायमेंशनल स्ट्रेसेस की बात करेंगे, तब हम ये इक्वेशन को यूज़ करेंगे। और जब हम वन डायमेंशनल या फिर सिंपल टेंशन की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा टू और सिग्मा थ्री जीरो हो जाएंगे, बस बचेगा सिग्मा वन जिसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे एंड इट विल बी इक्वल्स टू टू के। टू के कैसे हुआ, यहाँ पे सिग्मा टू की वैल्यू जीरो रखेंगे तो सिग्मा वन बाय टू बराबर के हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर टू के हो जाएगा। ठीक है, ये होता है यील्डिंग पॉइंट का क्राइटेरिया, कब, जब हम ट्रेस्का यील्ड क्राइटेरियन हम यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड जो यील्ड क्राइटेरिया है वो डिफाइन किया गया है मैक्सवेल और वॉन माइसेस यील्ड क्राइटेरिया से। ठीक है, जिसको हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी क्राइटेरिया भी बोलते हैं। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन एनर्जी। सेकेंड क्राइटेरिया इज वॉन माइसेस यील्ड क्राइटेरिया। ठीक, इसमें हम डिस्टॉर्शन एनर्जी यूज़ करते हैं, डिस्टॉर्शन एनर्जी या फिर उसको शेयर स्ट्रेन एनर्जी भी बोलते हैं। इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होइएगा, पिछली थ्योरी की हमने बात की थी वहाँ पे हम शियर स्ट्रेस की बात कर रहे थे, और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम शियर स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, है ना। तो स्ट्रेन, किसी भी बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए हमको उसमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। जो भी हम लोड अप्लाई कर रहे होते हैं वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक, तो कितनी एनर्जी हमको उस वर्क पीस में प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि उसमें स्ट्रेन होने लग जाए, और वो स्ट्रेन किस पॉइंट तक पहुंच जाए, वो स्ट्रेन क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उतनी एनर्जी जब हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो हम उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन एनर्जी या फिर डिस्टॉर्शन एनर्जी। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, U इज इक्वल्स टू वन प्लस म्यू बाय थ्री ई सिग्मा वन एंड सो ऑन इधर तक। म्यू क्या है, म्यू इज द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल। ई क्या है, ई इज द इलास्टिक मॉडुलस या फिर यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। एंड सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री आर द प्रिंसिपल स्ट्रेन्स, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ओके, ये इक्वेशन कहाँ से आई, स्ट्रेन एनर्जी की या फिर डिस्टॉर्शन एनर्जी की, ये हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। अब इससे इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वन प्लस म्यू बाय सिक्स ई सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इस इक्वेशन से यहाँ पे कैसे आए, तो ये देखने के लिए इधर पे हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, टू जब नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो ये सिक्स ई हो गया,
और टू यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर ले गए, ब्रैकेट के अंदर ले गए तो ये कुछ इस टाइप से दिखने लगा, टू सिग्मा वन होल स्क्वायर प्लस टू सिग्मा टू स्क्वायर प्लस टू सिग्मा थ्री स्क्वायर माइनस ये। अब टू सिग्मा वन को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा वन प्लस सिग्मा वन इजकल्स टू टू सिग्मा वन हो जाएगा। सिमिलरली सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा वन स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, टू सिग्मा वन स्क्वायर। तो इसी को हमने एक्सपैंड करके लिख लिया, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर, सिग्मा टू प्लस सिग्मा टू स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वन प्लस म्यू बाय सिक्स ई ये बाहर है, और अंदर क्या किया हमने, सिग्मा वन स्क्वायर लिया, सिग्मा टू स्क्वायर लिया, माइनस टू सिग्मा वन सिग्मा टू लिया। तो ये काहे का फॉर्मूला बनता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, क्या होता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना। तो ये क्या बन गया, सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस टू सिग्मा वन सिग्मा टू विल गिव सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी गई है, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, हमने स्ट्रेन एनर्जी को इस तरह से डिफाइन किया। हमको ये भी पता है कि ये एक इक्वेशन होती है इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स को रिलेट करने के लिए। चार इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, E होता है, K होता है, G होता है और म्यू होता है। ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए, आइसोट्रॉपिक इलास्टिक मटेरियल के लिए ये चार यूनिक इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक। और इन सभी के बीच में आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, E इज इक्वल्स टू टू जी इंटू वन प्लस म्यू, E इज इक्वल्स टू थ्री के इंटू वन माइनस टू म्यू, एंड E इज इक्वल्स टू 9kg अपॉन 3k प्लस g। ऐसा कुछ इक्वेशन पढ़े होंगे आपने, ये चारों इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स को रिलेट करने के लिए ये इक्वेशन होती है, ओके। तो वही उनमें से एक इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया, E इज इक्वल्स टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। ये जब उठा के हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E की वैल्यू हमने 2g इंटू 1 प्लस म्यू रखा, तो 2g इंटू 1 प्लस म्यू जब रखा E की जगह, तो 2 से 6 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 12 आ गया और जी था, 1 प्लस म्यू 1 प्लस म्यू ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया और फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन बची, ओके। ये हो गई टोटल डिस्टॉर्शन एनर्जी या फिर टोटल शेयर स्ट्रेन एनर्जी जो कि किसी बॉडी में होगी जब हम उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहे होंगे। मैक्सिमम स्ट्रेन इतना या फिर ये स्ट्रेन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब यील्डिंग के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि क्रिटिकल वैल्यू तक कब पहुंच रही है वो स्ट्रेन एनर्जी, ओके। तो स्ट्रेन एनर्जी किसी भी बॉडी में निकालने के लिए एक ये इक्वेशन होती है, टाउ स्क्वायर बाय टू जी, ये बल्क मॉडुलस से निकल के आता है, टाउ स्क्वायर बाय टू जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। फॉर यील्डिंग टू अकर द अबव वैल्यू दैट इज दिस वैल्यू शुड रीच अ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन एनर्जी विच इज टाउ स्क्वायर बाय टू जी पर यूनिट वॉल्यूम। अभी टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस है, जी क्या है, बल्क मॉडुलस है। ये जब रेशियो होता है टाउ स्क्वायर बाय टू जी तो इससे हमको मैक्सिमम, इससे हमको स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए हेल्प होती है, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू जब इक्वल हो जाएंगी इसका मतलब बॉडी में यील्ड आ गया है, अकॉर्डिंग टू विच, अकॉर्डिंग टू वॉन माइसिस यील्ड क्राइटेरिया, ओके। अकॉर्डिंग टू वॉन माइसिस यील्ड क्राइटेरिया जब ये दो वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी तो बॉडी में स्ट्रेन यील्डिंग हो गई बॉडी में, ठीक है। ये इक्वेशन ये बोलती है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, वन प्लस ट्वेल्व जी दिस होल इक्वेशन इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय टू जी। यहाँ पे हमने टाउ स्क्वायर बाय टू जी देखा था और यहाँ पे के स्क्वायर बाय टू जी हो गया। के क्या है, के इज अ क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस, ओके। इसको हमने आगे सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, यहाँ 2 से 12 कट जाएगा तो 6 बचेगा, 6 यहाँ ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 6k² और जी कैंसिल हो गए, तो ये इक्वेशन हमारे पास बची। ये इक्वेशन कब यूज़ करेंगे, जब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रेस की बात कर रहे होंगे। इसी को जब हमको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 जीरो हो जाएंगे और सिग्मा 1 विल बी इक्वल्स टू द यील्ड स्ट्रेस। ये हम पुट करेंगे जब इस इक्वेशन में तुम्हारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, डेट सिग्मा वाई बराबर रूट थ्री ऑफ के, और जो हमने थ्योरीज ऑफ फेलियर में जैसा नोटेशन पढ़ा होगा, सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू
रूट थ्री टाइम्स ऑफ टाउ वाई. सिग्मा वाई इज यील्ड स्ट्रेस इन टेंशन एंड टाउ वाई इज यील्ड स्ट्रेस इन शीयर. ओके, तो ये दो इक्वेशंस निकल के आती हैं. वही दो इक्वेशंस यहाँ पे शो किया है. ठीक, दस फॉर टू थ्योरीज द रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड शीयर स्ट्रेस एंड टेंजाइल यील्ड स्ट्रेस. टेंजाइल यील्ड स्ट्रेस को क्या बोला है, वाई. टेंजाइल और कंप्रेसिव दोनों में सेम रहेगा. वो क्या हो गया, ट्रेस्का के हिसाब से हम देखें तो वाई इज्कल टू 2K होता है, और मैक्सवेल के हिसाब से देखें तो वाई इज्कल टू 3K होता है. ओके, ये चीज़ कैसे अप्लाई होती है, ये चीज़ हम देखेंगे एग्जांपल्स में. थिन वॉल ट्यूब सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड टॉर्शन. सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या रहेगा, थिन वॉल सिलेंडर सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर एंड टॉर्शन. इंटरनल प्रेशर है तो ऑब्वियसली क्लोज एंड्स होने पड़ेंगे. तो ये चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.